कश्मीर में धारा 370 हटाए जाना नेहरू गांधी परिवार के लिए प्रायश्चित करने का अच्छा मौका है। पूर्व मंत्री और भाजपा के तेज तर्रार नेता जयभान सिंह पवैया ने ये बात आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस निर्णय ने आजादी में स्वर्णिम इतिहास रचा है। भारत माता के मस्तक पर 70 साल पहले जो काला धब्बा पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर लगाया था, उसे पीएम मोदी और गृह मंत्री ने विच्छेद कर देशवासियों का सपना पूरा किया है और देशभक्त एवं 46,000 सैनिकों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पूरा भारत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस फैसले ने और उनके फैसले का अनुमोदन करके भारत की संसद ने आजादी में एक नया स्वर्णिम इतिहास रचा है। भारत माता के मस्तक कश्मीर पर एक धब्बा, एक काला धब्बा 70 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया धारा 370 के नाम पर, 370 को विच्छेद करके और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी ने हजारों हजारों लाखों लाखों देशभक्तों का सपना पूरा किया है। और मैं ये मानता हूँ कि 1953 में जिस संकल्प को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर कूच किया और कश्मीर की धरती पर अपना बलिदान दिया, एक एक इंच माटी हिंदुस्तान का हिस्सा, इस संकल्प को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 46,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के देशभक्त और सैनिकों की शहादत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। पूरा भारत इस समय हर्ष और गौरव में डूबा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत क्षोभ के साथ कहना पड़ता है, जब देश का प्रश्न आता है तब हम राजनीति के दायरे में सिमटना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1949 में धारा 370 थोप कर और 52 में 35A का अनुच्छेद असंवैधानिक तरीके से जोड़कर बिना पार्लियामेंट की अनुमति के पंडित नेहरू ने जो एक नासूर पैदा किया था भारत माता के मस्तक पर, घाव पैदा किया, उस पाप का प्रायश्चित करने का एक ऐतिहासिक मौका मिला था कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, अध्यक्ष विहीन एक बड़ी पार्टी को। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके पूर्वजों ने भारत माता को कष्ट दिया, 370 का घाव लगाया, वे आज भी वहां खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के लोग भारत के पार्लियामेंट में दोनों सदनों में उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा पाकिस्तान की संसद में बोली जाती है। क्या हम परोक्ष रूप से आतंकवाद को और पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रहे? क्या ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का अधिकार बचा है? सारे देश में आक्रोश है और मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास कभी कांग्रेस और ऐसे लोगों को जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया है कभी क्षमा नहीं कर पाए। इतिहास ये कहता है कि हिंदुस्तान की 565 में से 564 रियासतों का बेशर्त विलय कराने वाले भारत के लोह पुरुष सरदार पटेल के रास्ते में लगातार पंडित नेहरू ने कांटे बिछाए थे। कश्मीर का मामला नेहरू जी ने अपने हाथ में लेकर शेख अब्दुल्ला से प्रेम के कारण पैदा किया। उस समय तो कांटे बिछाए थे, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के सच्चे अनुयायी नरेंद्र भाई मोदी के मार्ग में नेहरू जी के वंशज और नेहरू जी की पार्टी आज भी कांटे बिछाने से बाज नहीं आ रही।